गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं उत्तम नगर की बहुत ही प्राइम लोकेशन में, जो कि उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। आपको छत से आपको उत्तम नगर का मेट्रो स्टेशन दिखता है। तो ये हमारा ड्राइंग रूम है, जिसका साइज़ काफ़ी ही अच्छा दिया हुआ है, जिसमें आप एल टाइप का सोफ़ा लगा सकते हैं। और जस्ट इसका ऑपोजिट साइड में किचन है। किचन का भी एक बार आपको टूर कराता हूँ अभी मैं। तो इसमें वॉलपेपर भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लगा हुआ है और कुछ ऐसा दिखता है हमारा ड्राइंग रूम दूसरी साइड से। सामने जस्ट इसके किचन है, लेफ्ट साइड में इसके वॉशरूम है। और सबसे पहले मैं आपको किचन दिखा देता हूँ। तो ये हमारी किचन सेमी मॉडुलर किचन है, जिसके अंदर आपको एक चिमनी लगा के मिलता है। ऊपर यहाँ पे चिमनी का आउटलेट दिया हुआ है। ये हमारा वॉशिंग एरिया हो गया है, जिसमें मिक्सचर लगा हुआ है। और इधर गैस पाइपलाइन का होल दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा फिनिशिंग किचन के अंदर की है। और ये हमारे ड्रॉर्स हैं, जिसमें कटलेरी वगैरह लग जाते हैं। एक सैंपल दिखाया आपको मैंने। तो कुछ ओवरऑल ऐसा था हमारा किचन। चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि फ्रंट साइड में है। और ये हमारा मास्टर बेडरूम है, जिसमें एक वॉशरूम भी अटैच है। इसमें भी काफ़ी अच्छा वॉलपेपर लगा हुआ है। वॉलपेपर आप चेंज भी करा सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। वो आपको सारा ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कौन सा चूज़ करेंगे। तो कुछ ओवरऑल ऐसा दिखता है हमारा बेडरूम दूसरे एंगल से। फ्लोरिंग इसमें काफ़ी अच्छी टाइल्स के थ्रू की गई है। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन हर एक रूम में बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि मैं मोस्टली सारी वीडियोस में बताता हूँ कि मैं मैक्सिमम वैसी प्रॉपर्टी शूट करता हूँ जो कि अट्रैक्टिव हो और लोकेशन उसकी सबसे अच्छी हो। तो ये अटैच वॉशरूम है हमारा, जिसमें वॉल माउंटिंग शीट लगी हुई है। और लेफ्ट साइड में इसका एक वॉश बेसिन दिया हुआ है। तो ओवरऑल ये था हमारा वॉशरूम। और दूसरी साइड से ये हमारा बाथिंग एरिया है, इसमें शावर पैनल लगा हुआ है। काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें भी दिया हुआ है। तो ये वो वॉश बेसिन है और ये एग्जॉस्ट के लिए दिया हुआ है, वेंटिलेशन के लिए। इसका एक और बालकनी का टूर कराता हूँ। ये हमारी बालकनी है, जिसमें एक सेपरेट वॉशिंग एरिया का स्पेस प्लस आपको यहाँ पे एक टैप मिलता है। ये फ्रंट की गली है। बिल्डिंग के अंदर आपको 3 फ्लैट अवेलेबल है। तीनों फ्लैट की वीडियोस में अलग अलग टाइम पे अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और तीनों का डिफरेंट प्राइस है। ये अभी हम लोग थर्ड विद रूफ के साथ हैं, इसका रूफ भी एक बार आपको दिखा दूंगा। ये हमारा सेकंड बेडरूम है, जिसमें एक अलमीरा अटैच है। सेम इसमें भी वॉल सीलिंग का डिज़ाइन डिफरेंट है। सामने वॉलपेपर अलग लगा हुआ है इसमें। ये अलमीरा इसके अंदर अटैच है। इधर एक आपको स्प्लिट एसी का स्पेस दिया हुआ है। 6x6 का बेड आराम से आपका आएगा इसके अंदर। साथ में आपको स्टोरेज की कोई इसमें वो ही नहीं है। प्लस इसमें एक आपको इंटरकॉम मिलता है, जो कि नीचे अगर कोई आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप उससे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। चलते हैं इसके रूफ की तरफ। फ्लैट का प्लस पॉइंट है, इसके साथ आपको रूफ मिलती है, जिसमें सिर्फ आप ही के राइट्स हैं। और रूफ पे आप छोटा सा एक स्टोर रूम और या बेडरूम कुछ भी बना सकते हैं नॉर्मल हाइट पे। ये इसका वाटर स्टोरेज की जगह दी है। ऊपर आपकी टंकी लगी हुई 4th फ्लोर वालों की। तो कुछ ये है हमारी छत। ये रहा सामने उत्तम नगर वेस्ट का मेट्रो स्टेशन। काफ़ी प्राइम लोकेशन है, बहुत ही चौड़ी गली है, गाड़ी वाड़ी आराम से आना जाना कर सकती है। फ्लैट के साथ आपको एक कार पार्किंग भी मिलती है। मैं एक बार आपको पार्किंग भी तरफ ले चलता हूँ। तो ये है हमारी पार्किंग। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो प्लॉट एरिया है उसका साइज़ क्या होगा। और गाड़ी वगैरह आराम से लग सकती है। पीछे से भी आप गेट है, पीछे की साइड भी। तो कुछ ऐसा था हमारा फ्लैट। बाकी मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं और डालता रहता हूँ मैं हर 2-3 दिन में। मेक श्योर कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।